अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग चिकन का एक डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं। जी हाँ, चिकन चंगेज़ी बहुत ही यूनिक रेसिपी है और उतनी ही मज़ेदार है। आज हम लोग नवाब्स किचन के स्टाइल में बहुत ही आसानी में बना के दिखाएंगे। चलिए, चिकन चंगेज़ एक स्पेशल रेसिपी है और बनाने का तरीका भी अलग है। इसके लिए पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसके लिए बाउल में चिकन ऐड करेंगे। इसी चिकन में पहले हम लोग दही ऐड करेंगे, कर्ड। दही के साथ साथ इसी में हम लोग अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट इसी में हम लोग सॉल्ट और उसके साथ साथ रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग लेमन जूस भी ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करे बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसी को हम लोग 1 आवर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। जब तक मैरिनेशन होते रहता तब तक हम लोग ऑनियंस और कैशू नट्स को ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑनियंस और कैशू नट्स को फ्राई करने के लिए इसी कढ़ाई में हम लोग प्योर घी ऐड करेंगे। घी गरम हो गया है, इसी में हम लोग ऑनियंस ऐड करेंगे। नेक्स्ट कैशू नट्स। इसी ऑनियन और कैशू नट्स को हम लोग थोड़ा सा ठंडा होते ही हम लोग मिक्सी में ब्लेंड करेंगे और पेस्ट बनाएंगे। इसी मैरिनेटेड चिकन को हम लोग कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए ब्राउनिश शेड आए तक इसको हम लोग विदाउट ऑयल और विदाउट घी इसको पकाते जाएंगे। जब हम लोग को ब्राउनिश शेड आएगा तब इसको चूल्हे पे से हटाएंगे। चिकन को बाउल से अलग करे बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसी बाउल में हम लोग प्योर घी ऐड करेंगे। इसी घी में हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर और गार्लिक पेस्ट के साथ साथ टमाटो प्यूरी भी ऐड करेंगे। टमाटो प्यूरी ऑयल में अच्छी तरह भुने के बाद इसी में हम लोग मिल्क ऐड करेंगे। दूध, टमाटो प्यूरी और जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्योर घी अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसी में हम लोग सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग गरम मसाले के साथ साथ चाट मसाला भी ऐड करेंगे। इन सारे मसाले ऑयल में अच्छी तरह भुने के बाद इसी में हम लोग जो पहले ही प्रिपेयर करा हुआ
ऑनियन और कैश्यू नट्स पेस्ट ऐड करेंगे। इसी मसाला पेस्ट में जो पहले ही प्रिपेयर करा हुआ चिकन ऐड करेंगे। माशाल्लाह रेसिपी परफेक्टली बन गया है। इसको और भी डिलीशियस दिखाने के लिए और भी मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम लोग फाइनली कसूरी मेथी के साथ गार्निश करेंगे। चिकन चंगेजी माशाल्लाह बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, उतनी मज़ेदार भी है। इसके साथ आज हम लोग तंदूरी रोटी भी दे रहे हैं और तंदूरी रोटी चिकन चंगेजी बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। नीडी पीपल तक पहुंचेंगे और इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए चिकन रेसिपीज़ पे बहुत सारे वेराइटीज़ है। आज का ये वेराइटी भी बहुत ही मज़ेदार है, आप भी अपने घर पे कोशिश करिए। उससे पहले नवाब्स किचन ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।